हाथों में किताब थाम कर ये जो बच्चे भविष्य के सपने बुनते दिख रहे हैं, ये महान समाज सेविका चंपाबेन के संघर्ष और साधना का परिणाम है। बदलाव का प्रतीक यह ब्लैक बोर्ड उन्हीं के प्रयासों का प्रतिफल है। यह महज एक स्कूल नहीं, बल्कि यह जीवन बदलने वाला अद्भुत आध्यात्मिक केंद्र है। इसे लोग सत्य शोधन आश्रम के नाम से जानते हैं। यह आश्रम केवल सागर में ही दिखाई देता है। यह नारी शक्ति के प्रतीक चंपाबेन की देन है। फिलहाल यह महिला बाल विकास के नाकाफी सहयोग से चल रहा है। चंपाबेन के बारे में बताने से पहले हम इस आश्रम के बारे में बताना चाहेंगे। इस आश्रम में न केवल सागर बल्कि आसपास के 10 जिलों से आकर लड़के लड़कियां सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। इसकी नींव 1984 में दान की जमीन पर पड़ी थी, जहां बेड़िया समुदाय में शिक्षा की जगह बेटियों के पैरों में घुंघरू बांधने का चलन था। उस समुदाय के लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाने के बजाय बचपन से ही नाचने की परंपरागत व्यवसाय में उतार देते थे। इसके बाद उन्हें जीवन भर बेड़नी जैसी शर्मनाक पहचान को ढोना पड़ता था। ऐसे में इस आश्रम में केवल एक लड़की पढ़ने की हिम्मत दिखा पाई। आज यहाँ 100 से ज्यादा बच्चे बच्चियाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इस 40 साल के सफर में यहाँ से हजारों बच्चे तालीम हासिल कर पुरानी बेड़ियों को तोड़ चुके हैं। बात उस गांव की करें जहाँ यह आश्रम बना है, तो उस गांव के ही 50 से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इनमें डॉक्टर, शिक्षक, TI, SI जैसे पदों पर काम कर अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत से बच्चे शिक्षित हुए, सरकारी नौकरी में गए। एक इतना सा छोटा सा गांव होने के बाद कम से कम 50 बच्चे यहां सरकारी नौकर हैं, और इसमें डॉक्टर भी हैं, TI हैं, SI हैं। एक अपनी लड़की ये परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास में हैं। बहुत अच्छा लगा उनके आने के बाद। अब हम बात करते हैं चंपाबेन की। चंपाबेन सागर की नहीं थी, उनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मिलिट्री में थे और परिवार काफी संपन्न वर्ग से आता था। उनकी रुचि शुरू से ही समाज सेवा में थी। पहले वे निर्मला देश पांडे के अखिल भारतीय रचनात्मक समाज से जुड़कर देहरादून में समाज सेवा करती थीं। इसी सिलसिले में उनका भोपाल आना हुआ। यहाँ पथरिया से गए हुए लोगों ने यहाँ की महिलाओं के नरकीय जीवन का हाल सुनाया तो उनकी आत्मा सिहर उठी। बस यहीं से उन्होंने रचनात्मक समाज के सचिव की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त कर पथरिया को ही अपना कर्म भूमि बना डाला। गांव-गांव घूमकर उन्होंने महिलाओं और बच्चियों के पैरों में पड़े घुंघरुओं के अभिशाप को मिटाना शुरू किया। पुरुषवादी समाज ने उनके अभियान को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनका हौसला था जो हारने का नाम नहीं लेता था। आखिर समाज को नारी शक्ति के सामने झुकना पड़ा। वह पूरी तरह से अभिशाप को नहीं मिटा सकी, लेकिन हजारों परिवारों के सम्मानजनक जीवन का कारण जरूर बन गई। इसके लिए उन्हें भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने कई पुरस्कारों से नवाजा। सुश्री चंपा बहन जो हिमाचल प्रदेश से पंजाब ब्लू स्टार के समय 1984 में भोपाल आई थी, आध्यात्मिक सम्मेलन था। यहाँ से कुछ लोग भोपाल को सम्मेलन में गए थे, उसमें खासतौर पर माखनलाल जी, धन प्रभा जी, राजा राम जी, इनने पूरा सुनाया कि हमारे गांव की कैसी हालत है। शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही नहीं है, आर्थिक हालत है, और औरतें भी क्या करती हैं। ये सब सुन के वो द्रवित हुई, और उस समय वो अखिल भारतीय रचनात्मक समाज की सचिव थी और अध्यक्ष थी निर्मला देश पांडे, और सीधी वो भोपाल से पथरिया आ गई। उनने जब यहाँ की स्थिति सुनी, महिलाओं का दर्द सुना, और उनने उसी वक्त वहाँ का इस्तीफा दे दिया और बोली हम पूरा जीवन पथरिया में व्यतीत करेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे। बेड़िया समुदाय का जीवन इतने गहरे अंधकार में खोया हुआ था कि बदलाव की कल्पना ही वहाँ बेमानी लगती थी। शादी समारोह में नाचकर घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर ही रहती थी।
ऐसे में कई महिलाएं उस दलदल में भी पहुंच जाती थी जिसका नाम लेना भी समाज में शर्म का विषय रहता है। इस समुदाय में जन्म लेने वाली बहुत कम लड़कियां होती थी जिन्हें परिवार बसाने का सौभाग्य मिल पाता था। परिवार के लोग जवान होने के पहले ही पैरों में घुंघरू बांधकर उन्हें मनोरंजन का साधन बना देते थे। ऐसे में चंपाबेन ने सबसे पहले लड़कियों के घर बसाने शुरू कराए। हर साल बसंत पंचमी पर वह सम्मेलन आयोजित करवाती थी। इसमें उन्होंने करीब 2000 लड़कियों की शादी करवाई और दलदल भरे जीवन से निकालकर उम्मीदों के नए संसार में प्रवेश दिलाया। आज सभी लड़कियां पुरानी पहचान छोड़कर वैवाहिक जीवन जी रही हैं। हर बसंत पंचमी को उन्होंने एक दिन निश्चित किया कि बढ़िया जाति की शादी होगी, क्योंकि पहले शादी तो होती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतने उसने स्तर से शादी नहीं हो पाती थी और शादी नहीं कर पाती थी। तो इन्होंने दान मांग की और शादी शुरू की। वो काम लगातार चलता रहा और हजारों बच्चियों की शादी दीदी ने की। हमारे गांव में इस बेड़िया जाति में शिक्षा को बहुत दूर दूर तक बहुत विकास भाव, हर बच्चा हर माँ बाप शिक्षा से जुड़े। चौखट पे चिरैया राजा काए बोली रे चौखटों पे। 40 साल पहले 1984 में पथरिया आने के बाद अंतिम सांस लेने तक 21 जनवरी 2011 तक वह निरंतर अपने अभियान में जुटी रही। आज चंपाबेन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके योगदान का उजाला पथरिया में आज भी देखा जा सकता है। गांव के लोगों में बदलाव केवल शिक्षा और नौकरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धर्म कर्म और रहन सहन सब कुछ चमत्कारिक रूप से बदला है। सम्मान से जीने का आत्मविश्वास इस समाज के लिए किसी सपने से कम नहीं है। 2011 में उनके निधन के बाद अब समाज सेवा की लौ अब बुझती नजर आ रही है। उनके निशाने सत्यशोधन आश्रम में किसी तरह बच्चों को 8वीं कक्षा तक पढ़ाई तो मिल रही है, लेकिन बाकी रचनात्मक गतिविधियां ठप हो गई हैं। अब उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लोग किसी दूसरी चंपाबेन का इंतजार कर रहे हैं। बच्चा अपनी सोच शिक्षा से एक व्यवहार बदलो और आगे अच्छी सोसाइटी मिली, अच्छे लोगों में उठना बैठना हुआ और ऊंचाइयों पर पहुंचे, हर क्षेत्र में तरक्की करी, शिक्षा में, रोजगार में। ऐसे जरूरी नहीं ना कि इसमें गलत ही काम होता है, अच्छे लोग व्यवसाय भी कर रहे, धंधे भी कर रहे, दुकानदारी भी कर रहे। तो दीदी के आने से बहुत आदमी की सोच पर असर पड़ा है, बहुत खान पान रहन सहन। मान लो अब शहर शहर गांव भी शहर हो गया। अच्छा। हाँ, हर चीज में, खेल कूद में अब्बल, हर क्षेत्र में बच्चा की सोच ऊंचाई पे सोच रहा है। ठीक। पथरिया के हर घर में उनका स्वागत होगा और इसके बाद ही आश्रम शुरू हुआ। आश्रम शुरू होने पर और उन्होंने एक नियम बनाया प्रति वर्ष शादी करने का। हमने इतिहास के पन्नों में खोती जा रही चंपाबेन की कहानी इसलिए याद दिलाई कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। चारों ओर महिलाओं के संघर्ष को याद किया जाएगा। ऐसे में सागर की यह महान विभूति चर्चा से वंचित न रह जाए, इसके लिए हमने सत्यशोधन आश्रम में अपनी हाजिरी दी। इस मधुवन में चंपा के पुष्प की भांति चंपाबेन के प्रयासों की खुशबू महक रही है। जरूरत है उनके संघर्ष की मशाल को थामने वाली नई पीढ़ी के समाज सेवियों की, जो इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठा सके। अंत में उनके लिए यह कहकर अपनी वाणी को विराम देंगे कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। सागर टीवी न्यूज नारी शक्ति के प्रतीक चंपाबेन के संघर्ष को सलाम करता है। सागर टीवी न्यूज से विक्रांत राय की रिपोर्ट।